में एक क्वेश्चन देखेंगे, मैं क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ। अ रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एन अल्टरनेटिंग स्क्वायर वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 100 वोल्ट। एक रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो किसको मेजर करने के काम आ रहा है? अल्टरनेटिंग स्क्वायर वेव जिसका एम्पलीट्यूड है 100 वोल्ट। तो जो मीटर की रीडिंग होगी ना इस एक रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट की, मीटर की रीडिंग वो कितनी होगी, ठीक है ना। वापस से मैं पढ़ देता हूँ। एक अ रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एन अल्टरनेटिंग स्क्वायर वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 100 वोल्ट। एक रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक अल्टरनेटिंग स्क्वायर वेव को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और उस स्क्वायर वेव का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 100 वोल्ट है। तो जो मीटर रीड करेगा ये रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट, वो कितनी रीडिंग देगा? देखो यहाँ पे रीडिंग के हिसाब से है ना, जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये फुल वेव रेक्टिफायर वाले इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, हाफ वेव वाले इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, चलो आप उसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हो एक बार के लिए, तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना। अब देखो मैं जो बताता हूँ वो सुनो। ए रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट मेजर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफाइंग एलिमेंट। एक रेक्टिफायर जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट मेजर करने के काम आता है, किसकी हेल्प से? एक रेक्टिफाइंग एलिमेंट की हेल्प से, और किसकी मदद से? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की मदद से, मतलब PMMC की मदद से। वापस से बता देता हूँ, एक रेक्टिफायर जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो वोल्टेज और अल्टरनेट AC वोल्टेज और करंट मेजर करता है, किसकी हेल्प से? एक रेक्टिफाइंग एलिमेंट की हेल्प से, रेक्टिफाइंग एलिमेंट की मदद से, या फिर मैं बोल दूँ रेक्टिफायर की मदद से प्लस PMMC इंस्ट्रूमेंट की मदद से। देखो यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया। देखो मैंने जैसे कि बताया कि रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को मेज़र करता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को मेज़र करता है किसकी मदद से? एक रेक्टिफायर की मदद से प्लस PMMC इंस्ट्रूमेंट की मदद से। अब देखो रेक्टिफायर क्या होता है, जो AC को कन्वर्ट कर देता है DC में। अब DC में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो अपना परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो सिर्फ क्या रीड कर सकता है, DC रीड करता है। देखो अगर अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये जो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो रीडिंग देगा वो तो देगा अपन को AC रीडिंग, लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट तो क्या रीड कर रहा है, DC रीड कर रहा है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो मान लो अपन ने यहाँ पे कोई AC वैल्यू डाली जो जिसकी रीडिंग जिसको अपन को मेज़र करना है, ठीक है। अब इसने क्या करा, उसको AC को कन्वर्ट कर दिया किसमें, DC में। अब ये PMMC इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, उस DC रीडिंग को नोट कर लेगा, ठीक है, DC रीडिंग को नोट कर लेगा। अब देखो क्या होता है, हर वेव का फॉर्म फैक्टर अपन को पता होता है, ठीक है ना, चाहे तो स्क्वायर वेव हो, साइन वेव हो, ट्रायंगुलर वेव हो, तीन टाइप की वेव्स मेनली होती है, इन तीनों का फॉर्म फैक्टर अपन को पता होता है, ठीक है। और एवरेज वैल्यू इसने अपन को बता दी, एवरेज वैल्यू या फिर मैं बोलता हूँ DC वैल्यू इसने अपन को रीड करके बता दी। तो देखो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू इक्वल्स टू फॉर्म फैक्टर इंटू एवरेज वैल्यू। फॉर्म फैक्टर अपन को पहले पता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ने अपन को एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके बता दी, तो RMS वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और जो इस इंस्ट्रूमेंट का जो मीटर होता है वो RMS वैल्यू अपन को शो कर देता है। मेरे हिसाब से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर वेव बना रखा है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, 100 एम्पलीट्यूड, या फिर मैं बोल दूँ मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को इसी की रीडिंग बतानी थी, स्क्वायर वेव की रीडिंग बतानी थी जिसका एम्पलीट्यूड या फिर मैं बोल दूँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 100। यहाँ पर चलो मैं आगे बता देता हूँ, मेरे हिसाब से ये ऑपरेशन तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखो ये मैंने रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बना दिया सिंपल सा, ठीक है ना, अब अपन को वो पूरा डायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 100 मैक्सिमम, सॉरी 100 एम्पलीट्यूड का एक स्क्वायर वेव इस रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट में डाला, ठीक है ना, ये फुल वेव रेक्टिफायर मान के चलता हूँ, इसने रेक्टिफाइड कर दिया, ठीक है ना। तो देखो ऐसा आ गया आउटपुट, ठीक है ना, कंप्लीट आउटपुट आएगा। अब देखो इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेगा कौन, ये PMMC इंस्ट्रूमेंट इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेगा, और उसको फॉर्म फैक्टर से, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, उसको फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपन को RMS वैल्यू बता देगा। तो देखो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है, किसी भी हाफ साइकिल या वन टाइम पीरियड में क्या करो, उसका एरिया निकालो उस वेव फॉर्म का, जैसे कि ये देखो टाइम पीरियड में इसका एरिया निकालो वेव फॉर्म का, और उसको डिवाइड कर दो किससे, टाइम पीरियड से, ठीक है ना। मैं वापस फिर से बोल देता हूँ, एवरेज वैल्यू क्या होती है, एक टाइम पीरियड के लिए एरिया निकालो, ठीक है ना, इसका एरिया निकालो और उसको डिवाइड कर दो किससे, टाइम पीरियड से। तो देखो ये स्क्वायर वेव है, ठीक है ना, और ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 100। तो देखो स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो ये भी 100 होगी और ये भी 100 होगी और ये भी 100 होगी। तो देखो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, या फिर मैं बोल दूँ ए स्क्वायर, तो कितना होगा,
दोनों साइड 100 × 100, और टाइम पीरियड देखो ये भी कितना हो जाएगा 100, क्योंकि अगर ये 100 है तो सारी चीज़ें 100 होगी क्योंकि ये स्क्वायर है। तो देखो एवरेज वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आ गई अपने पास 100, ठीक है। अब देखो फॉर्म फैक्टर क्या होता है स्क्वायर वेव का, 1। तो देखो वही वापस से फॉर्मूला आया, फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू अपने पास 100 थी, आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे 100 को 1 से मल्टीप्लाई करके, तो आरएमएस वैल्यू ये कितनी रीड करके बता देगा अपन को 100 वोल्ट। तो देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो कितना है, ये इंस्ट्रूमेंट कितना रीड करके बताएगा अपन को 100 वोल्ट। देखो मैं आपको और भी तरीके से बता सकता था इसको, लेकिन मैंने ना आपको कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है। थैंक यू।